हेलो एवरीवन, व्हाट्सएप। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग घर पर बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे। तो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है प्रियेश और मेरे साथ में तुषार। तो गाइज, आज की वीडियो भी कुछ अलग होने वाली है। आज के जैसा आप पीछे डंबल रखे हुए देख रहे हैं, आज डंबल से वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है। गाइज, जैसा कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमने डंबल तो बना लिए लेकिन डंबल कुछ भारी बन गए जिससे हम उन्हें उठा नहीं पा रहे हैं, हमसे वर्कआउट हो नहीं पा रहा है। तो पहले आप हमें बॉडी वेट को वर्कआउट बता दीजिए। कहने का मतलब है कि हम जब बॉडी वेट से थोड़ा अपने आप को ट्रेन करके तैयार कर लेंगे तो फिर हम डंबलों को आसानी से उठाएंगे। तो गाइज, आप इसलिए मैंने नई वीडियो बनाई है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप चेस्ट को टारगेट कर सकते हैं अपने बॉडी वेट के साथ। तो गाइस, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, वीडियो छोटी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जिससे आपको स्किप करना पड़े। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं पीछे क्या किया था, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो गाइस, आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप गाइस चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो मोबिलिटी जैसा आपको पता है, पहले डेल्टा रोटेशन करेंगे। आर्म को स्ट्रेट रखना है, पूरा स्ट्रेट रखना है, उसे रोटेट करना है डेल्टा रोट को। 30 सेकंड कम से कम करना है गाइस आपको। इससे आपका जॉइंट मोबिलाइज होंगे, इससे आपकी बॉडी को हेल्प मिलेगी मोबिलाइज होने में, वर्कआउट करने में। आप अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे, बॉडी तैयार हो जाएगी वर्कआउट के लिए। स्विच दूसरी साइड करेंगे। हाँ, ऐसे आपको 30 सेकंड इधर करना है, दोनों साइड पर और करना है। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। अब आर्म रोटेशन करेंगे हम। यस, आर्म रोटेशन करेंगे और स्टैंड क्लॉकवाइज कर रहे हैं, फिर क्लॉकवाइज करेंगे। अगेन इसको भी आपको 30 सेकंड करना है दोनों साइड। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। चेस्ट ओपनर करेंगे नेक्स्ट। यस, वेरी गुड। थ्री टू वन एंड स्टॉप। तो गाइज, ये मोबिलिटी थी। हर मोबिलिटी को आपको 30 सेकंड परफॉर्म करना है। ईच साइड, दोनों साइड आपको 30-30 सेकंड करना है। अगर आप एक दो मोबिलिटी और ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर आपको पता है उनके बारे में। यार, अगर आपको लगता है कि और भी मोबिलिटी होनी चाहिए भाई में, और मोबिलिटी बताओ, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। पहले आपको वार्म अप सेट लेना है। वार्म अप सेट में आप 8 से 10 रैप मारेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। पुशअप पोजिशन, चलो कमो लो, वेरी गुड। 3, 4, 5 एंड 10, वेरी गुड। स्टॉप, आपको कम से कम 8 से 10 रैप मारने, फिर थोड़ा रेस्ट लेना है। अब आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले हम करेंगे रेगुलर पुशअप। रेगुलर पुशअप जैसे लोगों को पता है नॉर्मल पुशअप होंगे, तो आपको हाई प्लैंक पोजिशन माना है। पीछे पोजिशन में आइए, डाउन जाइए, हाई प्लैंक ये है, ठीक है। पीछे का पैर और पीछे का, ये हाई प्लैंक पोजिशन इधर, ये है हाई प्लैंक पोजिशन। आपको थोड़े से अपने आर्म्स को वाइड करना है, हल्का सा शोल्डर से थोड़ा सा बाहर करना है। और आपको फिर से मैक्सिमम रैप मारने हैं गाइस। आपको मैक्सिमम जितना आप मार सकते हैं उतने रैप्स आपको करने, जितना आपसे हो सके, फेलियर तक जाना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, परफेक्ट, गुड, गुड, गुड एंड स्टॉप, वेरी गुड, स्टॉप। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था स्टार्ट करने से पहले, आपको फेलियर तक जाना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे 10 से 11 रैप लेने, कितने लेने, नहीं, आपको पूरे रैप माने, अच्छे से माने, क्योंकि आप वर्कआउट पहले से कर रहे हैं तो आप पुशअप को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको पूरे अच्छे से, अगर रेंज ऑफ मोशन में पूरा ध्यान देना है, आपको पूरा नीचे डाउन जाना है और पूरा आर्म्स को एक्सटेंड करके ऊपर आना, पूरा नीचे जाना है और पूरा ऊपर आना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर रहे हैं, वो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उसे बिल्कुल नहीं करना है। तो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप में आपको इस मेज पर पैरों को रखना है और अब आपको नीचे जाकर पुशअप करने हैं। गाइस, इसमें आप अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करेंगे, वेरी गुड। इसके भी आपको मैक्सिमम रैप परफॉर्म करने हैं, आप जितना हो सकता है उतना रैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, वेरी गुड। ये पूरा आपको नीचे जाना है डाउन, पूरा हमको एक्सटेंड करना है, पूरा नीचे जाना है डाउन, पूरा हमको एक्सटेंड करना है। हाँ, एक बार फिर से, स्टांस हमेशा आपके हाथों का स्टांस थोड़ा वाइड रहेगा, शोल्डर से हल्का सा वाइड, बस स्टॉप, वेरी गुड।
तो गाइज आपको इससे पहले वाले मूवमेंट रेगुलर पुशअप के भी 3 सेट परफॉर्म करने थे, हर सेट के बीच में आप 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। सेम इसका आप डिक्लाइन पुशअप का भी आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं और हर सेट के बीच में कम से कम 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है। तो गाइज लास्ट और फाइनल हमारे पास है इंक्लाइन पुशअप। तो इसमें इसमें आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, इस पर आपको हाथों को रखना है। हाथ फिर से आप वही रखेंगे, शोल्डर से हल्का सा हाथ बाहर होंगे। अब आपको पुशअप करना है, ठीक है? ये से आपको रेंज ऑफ मोशन पे फिर से ध्यान देना है। आपको पूरा नीचे डाउन जाना है और पूरा ऊपर आना है, पूरा डाउन जाना है और पूरा ऊपर आना है, पूरा डाउन जाना है और पूरा ऊपर आना है। ये आपकी लोअर चेस्ट को टारगेट करेगा गाइस। वेरी गुड, परफेक्ट। इसके भी आपको कम से कम 3 सेट परफॉर्म करने, मैक्सिमम रैप जाना है हर बार में, हर सेट में मैक्सिमम रैप कीजिए और हर सेट के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट का ब्रेक लीजिए। वो बहुत जरूरी है, फिर आपको लगेगा कि आपकी बॉडी फिर से तैयार है जब जाके आपको दूसरा सेट परफॉर्म करना है। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। तो गाइज ये 3 एक्सरसाइजेस थे जो आपके लिए चेस्ट को टारगेट करने के लिए काफ़ी है। आप जैसे भी देखते भी होंगे, हम जब डंबल के साथ या रोड के साथ करते हैं बेंच पर, पहले हम फ्लैट बेंच करते हैं, फिर डिक्लाइन, फिर इंक्लाइन बेंच करते हैं। अगर आप वीडियो आजकल वीडियो देखते होंगे, बहुत वीडियो बना देते हैं किसमें ऐसे कर रहे हैं हाथों को, ऐसे करके पुशअप कर रहे हैं, किसी में कुछ कर रहे हैं, वो सब आपको भी करने की जरूरत नहीं है। वो सब सिर्फ पुशअप का एडवांस रूप है, उससे ये नहीं कि आपको चेस्ट बड़ी बन जाएगी या उससे आप ज़्यादा अच्छे से चेस्ट को टारगेट कर लेंगे। यही 3 मूवमेंट ऐसे हैं जो आप डंबल के साथ भी करते होंगे, बेंच के और रोड के साथ भी करते होंगे, बारबेल के साथ भी करते होंगे। ये सिर्फ 3 मूवमेंट है जिससे आपकी चेस्ट अच्छे से वर्क करेगी और अच्छे से बनेगी, अच्छे से ग्रो करेगी। तो आपको किसी फालतू के पुशअप के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मैं ये करूं या वो करूं, बहुत सारे वो सब पुशअप वेरिएशन है। तो गाइज आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मुझे ये भी बताना है कि आप मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो गाइज कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।